अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकर्स। आज हम पढ़ेंगे कि पेन किलर कैसे काम करती है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जब किसी को पेन होती है तो वो सबसे पहले पेन किलर लेता है अपनी पेन को कम करने के लिए, मगर क्या आपको पता है कि पेन किलर काम कैसे करती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। हम आजकल पेन किलर पर बहुत ज़्यादा रिलाय करने लग गए हैं, बट शॉर्टकट्स कैन बी डेंजरस। हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा है कि पेन किलर ज़्यादा नुकसानदेह है। पेन किलर का रोल और उसकी फंक्शनिंग जानने से पहले काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। पेन एक सिम्टम है। अगर किसी को शोल्डर में पेन है तो हमारी बॉडी में जगह जगह नर्व एंडिंग्स होती हैं जिसमें नोसीसेप्टिव फाइबर्स होते हैं जो कि पेन को पकड़ते हैं, यानी कि वो पेन को फील करते हैं। नोसीसेप्टिव फाइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये पेन को डिटेक्ट करके ब्रेन की तरफ सिग्नल्स भेजते हैं। पेन के दौरान हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिंस। नोसीसेप्टिव फाइबर्स जब प्रोस्टाग्लैंडिंस को डिटेक्ट करता है तो ब्रेन की तरफ सिग्नल्स पहुंचने से ब्रेन को पता लगता है कि हमारी बॉडी के इस पार्ट में पेन हो रहा है। तो पेन किलर का रोल होता है इन प्रोस्टाग्लैंडिंस को ब्लॉक कर देना, यानी कि जब केमिकल रिलीज ही नहीं होगा तो ब्रेन को पेन फील कैसे होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं। पेन किलर लेने से हमने ब्रेन की तरफ जो पेन का सिग्नल जा रहा था उसको तो ब्लॉक कर लिया, लेकिन क्या हम अपने कोज को उस ओरिजिनल प्रॉब्लम को भी ठीक कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर्स को भी एडवाइज्ड है कि पेशेंट को पेन किलर नहीं दें। लंबे अरसे तक पैरासीटामोल और इब्रूफिन का इस्तेमाल आपको इनका आदि बना लेता है जिससे आपको इनकी एडिक्शन हो जाती है। पैरासीटामोल एंड इब्रूफिन का इस्तेमाल हमारे स्टमक और लीवर को डैमेज कर देता है। ज़्यादातर किडनी डिसऑर्डर उन लोगों में होता है जो बहुत अरसे से पेन किलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर पेन किलर का अपना इफ़ेक्ट होता है, तो वो लोग जो एक से ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाते हैं और एक टाइम में सबकी डिफरेंट पेन किलर्स ले रहे होते हैं, उनके ऑर्गन डैमेज होने का ख़तरा बढ़ता रहता है। काइंडली डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक पेन किलर इस्तेमाल करें और इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। थैंक यू।